व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, भूल गई सलाम करना, तो वालेकुम सलाम मैं भी कर देती हूँ क्योंकि सब मुझे सलाम का जवाब ऐसे देते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं ये चावल तड़का एंड दाल, मूंग मसूर की दाल। मेरे किचन में क्या बना आज? मूंग मसूर की दाल। तो मेरी दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आता है तो ज़रूर आ जाए खाने, और देख के तो बहुत दिल चाह रहा होगा दाल चावल खाने का। इसके साथ पापड़ होंगे, अचार होगा, और मैंने अचार भी बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि अचार डालने के बाद नज़र लग जाती है। तो क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी अचार की रेसिपी शेयर करी और मैंने वीडियो अपलोड करी तो मेरा अचार ख़राब हो गया था, ठीक है। तो जो है मैंने इस दफ़ा जो दाल है बहुत ही माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त बना है। अभी जब मैं खाना खाऊंगी ना, यमी से दाल चावल होए और सलाद होगा और फिर क्या कहते हैं अचार होगा, तब मैं दिखाऊंगी आप लोग को अचार, कैरी मिर्चे और लहसुन का अचार। तो अच्छी बच्ची हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। तो जो है मैंने अचार भी डाल लिया था और बताया नहीं किसी को, अब डल चुका है, अच्छा बन चुका है, तो इसलिए जो है मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से खाते हुए, ठीक है व्यूवर्स। तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ वीडियो, लंबी नहीं करना चाहती, तो छोटी सी वीडियो होगी मेरी आज की, तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है व्यूवर्स, खाते भी मिलते हैं। ये दाल इज़ रेडी, ठीक है, चावल दम पे हैं मेरे। और जो है मैंने कहा थोड़े से एक बात शेयर कर दूं कि दाल चावल के साथ हमारे जो मेहमान है सास, हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, मेरी सास मेहमान है ना, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि दाल चावल के साथ ये शेयर कर देती हूँ मैं कि ये आप लोग भी बनाएं, बहुत 5-10 मिनट में तैयार हो जाती है तो अच्छी लगती है। इसमें मैंने ऑयल, टमाटर, हरी मिर्चें ऐसे कर लें, मैंने इसकी डंडियाँ नहीं निकाली क्योंकि मुझे पसंद है ये डंडियाँ, इसकी लुक अच्छी लगती है मुझे ना डंडियों की। मैं अगर आप लोग चाहें तो डंडी इसकी ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या डाला, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक अपने हिसाब से डाल लें हम लोग, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी, जैसे 1-2 चुटकियाँ डाल दी मैंने, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्स, एक हरी मिर्चें रह गई हैं, और हरी मिर्चें ज़्यादा लेते हैं, मैंने कम दी हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ ये खाने वाली, कोई भी नहीं खाता ये मिर्चें, लगती हैं बच्चों को ना, तो मैं इसको करती हूँ मिक्स। तो ये तेज़ आंच पे इसको करेंगे, इतनी भी तेज़ नहीं कि बिल्कुल ही जल जाए, इतने करें कि जो है ये जल्दी से जो है टमाटर ये हो जाए। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें अच्छा सा, और वीडियो को फुल वॉच करें, दुआओं में याद रखें। और जब मैं अभी अचार निकालूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी, मैं पूरे आपको वो बर्नी नहीं दिखा सकती क्योंकि जाहिर सी बात है अचार एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ तक के कहते हैं हाथ भी लग जाए तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं उसको पूरा शेयर नहीं करूँगी, एक तो थोड़ी सी प्याली में निकाल के ना उसको दिखाऊंगी, तो मुझे बताइएगा कि अचार मेरा कैसा बना है, ठीक है। और ये जो है एक तरह से चटनी कहलाएगी, और ये बन गई है, बस 5 मिनट में तैयार हो जाती है, 10 मिनट भी नहीं है, देखें। तो ये पानी छोड़ें टमाटर, इसको तेज़ आंच पे इसीलिए भूनते हैं कि बस ये टमाटर भी थोड़े साबुत रहने चाहिए ताकि ये क्रंच टाइप का जब मुँह में आएगा ना टमाटरों का तो अच्छा लगेगा। तो दाल चावल हो और ये चटनी हो मिर्चों की और अचार हो तो बहुत मज़ा आता है और दिल भी करता है कि दाल चावल खाएं। तो मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग को कैसे लगते हैं दाल चावल, मूंग मसूर और काली दाल तो बहुत मज़े की लगती है। मुझे माश की दाल नहीं पसंद है, हस्बैंड को पसंद है बहुत, तो हम लोगों की जो है ना थोड़ी सी उस पर रहती है, वो कहते हैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ मैं माश की दाल ना, उसके दही बड़े अच्छे लगते हैं माश की दाल के। दरअसल थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए मैंने इसकी हल्की आंच कर दी, तो इसलिए मैंने बस ये रेडी है, 2 मिनट देंगे इसको, हल्का सा ढक देंगे इसको और ये रेडी हो जाएगी। फिर हम दस्तरखान लगाएंगे और
फिर देखते हैं केक खाते हुए हम कैसे खाना खाएंगे। मजाक कर रही हूँ, तो चलें चलते हैं। व्यूअर्स, मेरा खाना रेडी है। चावल, ये अचार मैंने बनाया था, ये देखें, ये कैरी इस तरह कटिंग बाहर से ही हो जाती है, वो लोग काट लेते हैं। हरी मिर्चें, इनको कट लगा के हमने मसाला भर लिया था, और लहसुन, और मैंने इसमें ऑयल इसमें प्याली में कम निकाला है क्योंकि ऑयल ज़ाया ना जाए, तो उसी अचार की बर्नी में मैंने रख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत मज़े का बना है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर सिखा दूँगी ये कि कैसे बनता है ये अचार। बिल्कुल बाज़ार जैसा है, बाज़ार वाले तो फिर भी गंदगी से बनता है, और जो है हम साफ़ सुथरा अच्छा घर में ही बनाते हैं हर साल जब कैरियाँ आ जाती हैं। मैंने इसलिए शेयर नहीं किया, मेरा पहले अचार ख़राब हो गया था, क्योंकि इसमें इसको बचाना पड़ता है हर चीज़ से। इंसान अच्छी से अच्छा भी बोलेगा ना तो वो अचार को अचार जो है ना बहुत शर्माता बहुत है। तो जो है इसलिए अचार को छुपाना पड़ता है, ये बहुत नाजुक होता है। खैर, तो ये चटनी बहुत यम्मी सी, ये दाल और ये चावल। तो मैं जा रही हूँ अब बच्चों के साथ खाना खाने। अगर आप लोग को खाना है तो ज़रूर आ जाइए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।